अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 35, इंटरफेरेंस प्रॉब्लम 26। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो कहता है फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा देखना है 450 नैनोमीटर के लिए 90 दर्जे पे, ये देखा गया। वो कहता है किस रेंज की वेवलेंथ विजिबल रीजन में प्रेजेंट नहीं होगी थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। वो कहता है टू एलिमिनेट ऑल विजिबल लाइट फ्रॉम इन द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा, स्लिट की सेपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, या क्या चीज कम से कम चेंज करनी पड़ेगी। पहले तो हम देखते हैं ना कि हमें डी कितना है, क्योंकि हमें थीटा भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दी हुई है। तो ये 1800 नैनोमीटर की स्लिट आ जाएगा आपके पास दूरी स्लिट की। अब हम कह सकते हैं कि भाई अब हमें वेवलेंथ पता चलनी चाहिए कि कौन सी प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, सारी वैल्यूज पता है, ये वैल्यू थर्ड ऑर्डर के लिए हमने चेक करना है कौन सी प्रेजेंट नहीं है, तो ये 600 नैनोमीटर होगी। तो इसका मतलब कोई भी वेवलेंथ जो ग्रेटर होगी 600 नैनोमीटर से वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो जो उसने हमें रेंज दी थी, इसका मतलब 600 से 700 वाली सारी गायब हो जाएगी। अब स्लिट की सेपरेशन हमें यहाँ पे कम करने की यानी एक तरह से जरूरत है, ताकि डी कम होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे अगर हम 400 नैनोमीटर को फोर्स, क्योंकि हमने ऑल विजिबल लाइट को एलिमिनेट करना है, तो ऑल के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू नीचे लानी है, लैम्डा की वैल्यू नीचे लाने के लिए डी कम करना है, ये बताया यहाँ पे। 400 नैनोमीटर में फोर्थ ऑर्डर में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे 90 डिग्री पे, तो डी प्राइम निकाल लेंगे, तो वो डी प्राइम 1600 नैनोमीटर आ जाएगा। अब आपके पास दोनों का जो डिफरेंस लेंगे 200 नैनोमीटर आ जाएगा, तो 200 नैनोमीटर की चेंज तो करनी ही पड़ेगी ताकि 400 नैनोमीटर तक वो रेंज आ जाए नीचे। तो ये हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।